चैनल पे हम सबको 100 लोगों के साथ बात करने में, एक साथ 100 लोगों से जब बात होती है, ये बात महसूस करने की चीज है। आप यहाँ महसूस करिए कि मैं 100 लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, तो फील्ड में जाके एक एक लोगों को समझा सकता हूँ। बहुत मजा आता है, कैसे मुझे हंसी छूटती है जब लोगों को समझाता हूँ, एक गया डरमा समझाता हूँ, जब लोग समझना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं सर जी। आप इसलिए बोलते हैं कि मेरा जब बाटल हमेशा पानी पीता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, चाय मंजन भी तो ज्यादा बात करता हूँ मैं, चाय मंजन बताता रहता हूँ कि यही को पिया हूँ 8 साल से, इसी को पी के मैं अपने परिवार की सारी समस्या दूर कर दिया, अपने सर की समस्या इसिनोफिलिया खत्म कर लिया, बवासीर खत्म कर लिया, चर्म रोग खत्म कर लिया, गैस कब्ज खत्म कर लिया। आज इवन मैं अपने आप को इसलिए स्वस्थ मानता हूँ कि मैं ये चाय जो पी रहा हूँ ये अमृत है, अमृत है मेरे लिए, अमृत है। जब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो मुझे कोई समस्या नहीं होगा। अब आप बताइए, आपको समस्या पालना है कि समस्या को जड़ से निकालना है? अगर निकालना है तो हमारा ये सारे प्रोडक्ट को पकड़िए, हमारा चाय पकड़िए, हमारा मंजन पकड़िए, हमारा मोरिंगा पकड़िए, हमारा त्रिफला पकड़िए। अगर किसी को शुगर है तो मैं आरजीजीएल पे तो नहीं काम करता हूँ, आरजीजीएल पे मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं टोटल टू इन वन कॉफी पे बात करता हूँ। टू इन वन कॉफी स्पालिना मोरिंगा, टू इन वन कॉफी स्पालिना मोरिंगा, मैं तीन प्रोडक्ट पे काम करता हूँ और तीन प्रोडक्ट मैं बेझिझक बिना डर का देता हूँ। काम करेगा नहीं करेगा ये मेरा विषय नहीं है, ये गैनोडर्मा डॉक्टर लिम बनाए हैं, ये डॉक्टर लिम सीजिन का विषय है कि काम करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरा विषय नहीं है। करेगा मतलब करेगा, मैं उसी समय समझा देता हूँ। 10 लोग अगर बैठे हैं, छोटा बच्चा है, उसके अंदर भी सेल है, मेरे अंदर सेल है, आपके अंदर सेल है, सबके अंदर सेल है, तो गैनोडर्मा सेल पे काम करता है, ये सूट करने वाली चीज नहीं है कि किसको सूट करेगा किसको सूट नहीं करेगा, ये सेल पे काम करेगा मतलब करेगा। आपको डाउट है, मुझे डाउट नहीं है। इस तरह मैं बात करता हूँ, अपने बात को दमदारी से रखता हूँ, इसलिए प्रोडक्ट देखिए, मैं परसों की बात कर रहा था ना, वहां सबको प्रोडक्ट दिया, जिसको देने के लिए गया था वो मुझे पढ़ा रहा था मेरे पास पैसा नहीं है पैसा नहीं, लेकिन किसी जान लीजिए मैं प्रोडक्ट निकाल दिया था, माइंड में रख लिया था कि प्रोडक्ट दे के ही जाऊंगा आपको, आया हूँ बारिश में आया हूँ तो आपको दे के ही जाऊंगा, और प्रोडक्ट दिया। भले ही बंदा मुझे मेरे को एमआरपी से 215 रुपया नहीं दिया, लेकिन हमको वो 215 रुपया नहीं दिया, लेकिन कई लोगों को नहीं, आप ले लीजिए बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए, अपने घर में ही प्रोडक्ट दिलाना शुरू कर दिया। मैं बोला 200 रुपये नहीं, मैं पता नहीं कै 1000 रुपये यहीं से आपके माध्यम से सिस्टम में लेके जाऊंगा और लोगों को प्रोडक्ट खिलाऊंगा, मजबूर कर दूंगा। ऐसा काम हमें करना है। 2 बार मीटिंग करने में सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं। जैसे ही मैं 2 बार वो गाँव में और बैठ गया, वो गांव डिएक्शन मैं धीरे धीरे मैं बनाना शुरू कर दूंगा। ये काम करने में आपको खुशी क्यों नहीं मिलता, या मेरे टीम के किसी भी लड़के को खुशी क्यों नहीं मिलता? ये तो खुश रहने का काम है, आपको कहाँ डाउट है? दिन भर में अगर 5 प्रोडक्ट, जैसे अरविंद जी के साथ मैं निकलता हूँ, दिन भर में 10 प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं, तो ये चीज उनको समझ में आ गया है कि डिएक्शन से हम सब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी गांव को पकड़ सकते हैं। आपको जान पहचान के लोग कभी नहीं साथ देंगे, जान पहचान के लोगों के साथ अगर काम करना चाहेंगे वो आपका साथ देने, वो मरने के लिए तैयार है पर डिएक्शन को मारने के लिए तैयार नहीं है, गैनोडर्मा को मारने के लिए तैयार है, वो मरने के लिए तैयार है, तो क्यों उसके पीछे भागे? आप नए गांव में जाइए जहां आपको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, वहां डिएक्शन होगा, वहां डिएक्शन होगा, वहां डिएक्शन समझाइए। 10 को समझाएंगे एक जरूर सुनेगा, 20 को समझाएंगे दो जरूर सुनेगा, ये विषय है हमें समझने और समझाने का। इस तरह मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, जो मेरा सपना है वो बहुत बड़ा सपना है, पर उस सपने पे मैं भी खरा तो नहीं उतरा हूँ, लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, मैं डिएक्शन से पैसा तो उतना नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन मैं डिएक्शन से जो चीज पाया हूँ, डिएक्शन से जो चीज मैं पाया हूँ, वो चीज मैं किसी भी सेक्टर से नहीं पा सकता। जो चीज मुझे डिएक्शन से मिला है वो दुनिया का कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले लेकिन वो पा नहीं सकता है, वो चीज मुझे डिएक्शन से मिला है, वो खुशियां मैं महसूस करता हूँ। बस साल 2 साल की बात है, साल 2 साल 3 साल, जैसे मैं 46 साल मेहनत करके अपने आप को कभी सफल नहीं समझा, लेकिन आज 6 साल से जो मेहनत करके डी एक्शन में सफलता मिला है,
गरीबी भी दूर नहीं हो रही है, लेकिन बीमारी दूर हो गई। बच्चे पढ़ने लिखने में एकदम सक्षम है, बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम है, गरीबी भी दूर हो जाए। जब बीमारी खत्म हो सकती है, आपको क्यों नहीं विश्वास होता? जब बीमारी खत्म हो सकती है तो गरीबी क्यों नहीं खत्म हो सकती है? आपको बीमारी अपने घर की खत्म कर लिए हैं, तो मैं लोगों के घर की बीमारी खत्म करने के लिए जब ठान ही लिया हूं, तो गरीबी क्यों नहीं खत्म हो सकती है? ये मुझे पता है, मेरी गरीबी भी खत्म होगी। लगेगा थोड़ा समय, अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे तो समय लगेगा, कमेंट होगा, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लोग आपका टांग खींचेंगे। सबसे बड़ी बात तो आपका स्वयं, आपको जिस आप जिसको सबसे बढ़िया समझते हैं, वो भी आपका टांग खींचेंगे। ये चीज मैं महसूस किया हूँ। क्या होता है डीएक्शन? मैं तो अपने नीचे के किसी लड़के से बात करता हूँ, मैं कभी उसके बच्चों के बारे में नहीं पूछता हूँ। मैं डीएक्शन की बात करता हूँ, डीएक्शन काम का, सिर्फ डीएक्शन पूछता हूँ। कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ मीटिंग चल रहा है, किधर मीटिंग करना है, क्या काम कर रहे हो, मैं ये बात करता हूँ। लेकिन मेरे बड़े बड़े लीडर मेरे बच्चों के बारे में, मेरे परिवार के बारे में पूछना शुरू कर, इसका मतलब क्या है? ये गलत संकेत है, इस बात को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं बहुत नीचे चला गया। हमें जो मेरे से डिएक्शन के बारे में बात करेगा, मैं उसी से सिर्फ बात करूंगा। अपने आप को कितना बड़ा लीडर हो, इज ए क्राउन एम्बेसडर ही क्यों ना हो, वो डिएक्शन में कैसे काम हो रहा उस पर बात करना है। मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी बीवी कैसी है, अरे मैं बच्चा पैदा किया हूँ, मेरी बीवी है, उसे मुझे दिखना है, उससे तुमको क्या मतलब है, इससे तुमको क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? मैं तो कभी किसी से, ये सारी गलतियां हो चुका, इसी का देन है कि आज मैं पीछे हूँ। सबको छोड़ दिया, मैं स्वयं आत्मनिर्भर बनूंगा, खुद मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, खुद मैं मीटिंग करूंगा, बड़ी से बड़ी मीटिंग करूंगा, बड़ी से बड़ी टीम खड़ा करूंगा। मैं खुद आत्मनिर्भर जब से नहीं बनूंगा, मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, मुझे खुद उठना पड़ेगा, मुझे स्वयं काम करना पड़ेगा, स्वयं मीटिंग करना पड़ेगा, स्वयं घर से निकलना पड़ेगा, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज मैं सीख लिया, पढ़ लिया, आज मैं काम करने के लिए उतरा हूँ, वो काम करूंगा। तो आप सबके बीच में, मैं अभी फील्ड की बात कर रहा था कि फील्ड में कैसे रन करना है, कैसे बात करना है, वन टू वन कैसे करना है, ये सारी बातें। जब मैं किसी के साथ घर पे निकलता हूँ, मीटिंग करना शुरू करता हूँ, तो आप लोग जानिएगा इतना खुशी तब आता है, जैसे मैं दो को समझा रहा हूँ, चार को समझा रहा हूँ, सबसे बगल से फोन आएगा, सर जी कब तक आएंगे? अच्छा, मैं आ रहा हूँ, कुछ लोगों को प्रोडक्ट दे रहा हूँ, दे के समझा के आ रहा हूँ, तब तक देखेंगे दूसरे एरिया से कोई ना कोई फोन करे, क्योंकि उस एरिया में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तब मजा आता है। देखिए आज मैं आया था आधा घंटा के लिए, मेरा 4 घंटा निकल गया और 4-6 प्रोडक्ट निकल गए, और लोगों की समस्या मैं सुनता हूँ, उसका समाधान बताते समय मैं किसी का नहीं सुनता हूँ। मेरे बगल में अगर 10 बैठी हैं, एक माँ मेरे से बात कर रही है कि बाबू मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे कोई प्रॉब्लम है, तो उस माँ का जब से दर्द सुन के, उस दर्द का निवारण मैं नहीं बता लेता, तब से मैं बगल वाले से बात करता नहीं, क्योंकि मैं दिन भर में किसी एक परिवार को डिएक्शन मैं बना दूं, किसी एक परिवार की जिंदगी बदल दूं, किसी एक परिवार के घर से बीमारी को निकाल दूं, इससे बड़ा काम दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये मैं महसूस कर चुका हूँ। तो हम डिएक्शन को बार बार नमन करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति अगर कोई लेके आया है, तो सिर्फ डिएक्शन, डॉक्टर लिम। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए कि डॉक्टर लिम विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति लेके आए हैं, वो है डिएक्शन। डिएक्शन से बना प्रोडक्ट हमारा गैनोडर्मा। हम फील्ड में ये भी बता देते हैं कि डॉक्टर को ये प्रोडक्ट क्यों नहीं दिया गया, डॉक्टर लिम डॉक्टर को प्रोडक्ट क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं है। एक मंजन में 40 रुपया बच रहा है, 30 रुपया बच रहा है, 20 रुपया बच रहा है, डॉक्टर 20 रुपया 30 रुपया कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कभी डॉक्टर, दांत के डॉक्टर नहीं चाहेंगे कि उस सबका दांत ही सही हो जाएगा तो मेरे पास कौन आएगा, ये बहुत बड़ा विषय होता है। इसलिए हमें समझाना पड़ता है, गांव में घर में इसका मार्गदर्शन दिखाना पड़ता है। तो डॉक्टर लिम हमारे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति लेके आए हैं। डिएक्शन का प्रोडक्ट नंबर वन है, डिएक्शन का प्रोडक्ट नंबर वन है, हमारी कंपनी नंबर वन है, कहाँ डाउट है, हमें कहाँ डाउट है। अब हमको भी डिएक्शन, डिएक्शन में नंबर वन बनना है।
अब हमको भी डिएक्शन में नंबर वन बनना है, इसके लिए मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा, तो नंबर वन बन के दिखाना है अपने समाज में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने अगल बगल। आप अपने आप को इतना अच्छा बिल्ड करो, इतना महसूस करा दो लोगों को दिखना शुरू हो जाए कि ये कुछ अलग करता है, इसके चेहरे अलग है, इसका परिवार अलग है। वही मैं आप लोगों से बता रहा था कि मैं जो डिएक्शन से कमाया हूँ, जो मैं डिएक्शन से कमाया हूँ, वो साल 2 साल के बाद दिखेगा, आप सबके बीच में भी दिखेगा, सबको दिखेगा, क्योंकि सभी तो डिएक्शन कर रहे हैं। तो डिएक्शन में जो कमाया हूँ, बहुत मेहनत करके मैं अपने परिवार को संगठन बनाकर, एकत्रित बनाकर ले चल रहा हूँ, और मेरे बच्चे पढ़ने लिखने में अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बच्चे भी मेरा मदद करना शुरू कर दिए हैं। एक मेरा बच्चा जहाँ पढ़ता है, उसके जो टीचर हैं उनके यहाँ मैं इत्तेफाक से अरविंद जी के साथ पहुंचा था। आज वो टीचर के माध्यम से बच्चा मेरे से बता रहा था, पापा, वो टीचर पूछ रहे थे, तुम्हारे पापा कितने दिन से काम कर रहे हैं, ये मंजन हमको दिए, गजब का काम कर गया मंजन। उनका मंजन तो मंजन चाय बहुत तगड़ा है। आज उनके घर से हमको लगता है कम से कम 10-15 हजार का प्रोडक्ट हर महीने में, आज दूसरा महीना है जाना शुरू हो गया। वो बोल रहे हैं इतना अच्छा काम तुम्हारे पापा करते हैं, इसमें मैं भी बहुत जल्द से ग्रोथ करूंगा, बहुत तेजी से काम करूंगा। उनकी मैडम आशा है, उसी आशा को हम पकड़ने गए थे अरविंद जी के साथ, आज वहाँ बहुत अच्छा काम। ये खुशी का चीज है, महसूस तो करिए, अपने आप को खुश रखना तो सीखिए, लोगों को खुश करना शुरू कर देंगे जब आप खुश रहेंगे, तब तो आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, तब तो दूसरे के परिवार को खुश रखेंगे। तो पहले खुश रखना सीखो, अपने आप को खुशी महसूस करना सीखो, ये सीखने की चीज है। हम सीखे हैं, यही टीएलएस से सीखे हैं। अगर टीएलएस नहीं पकड़ा होता, टीएलएस का चैनल मैं नहीं पकड़ा होता, तो इतना संघर्ष मेरे साथ नहीं होता, इतना मैं जुनूनी आदमी नहीं बनता, इतना जुनून मेरे अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बहुत उलटफेर हुआ है। तो मैं खुद आत्मनिर्भर बन चुका हूँ, डीएक्शन मुझे आत्मनिर्भर बना दिया है। समाज में अपना पहचान बनाना है, समाज में अपना पहचान बनाना है, मतलब बनाना है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो समाज में निकलेंगे तो लोग आपकी तरफ हमेशा देखेंगे, हमेशा देखेंगे। लोग बोलते हैं सामने से बोल देते हैं, इनके बच्चे, इनका परिवार, ये सब अच्छा लगता है, यही तो चाहिए ना, हमारा परिवार संगठित हो, हम संगठित हो, हमारे बच्चे हमारे साथ हो। क्या हो रहा है, बहुत पैसे वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं, 10 लाख महीना कमा रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा उनका साथ नहीं दे रहा है। वो बच्चे को करना कराना कुछ और चाहते हैं, बच्चा कुछ और कर रहा है, बच्चे को पढ़ाना कुछ और चाहते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज मैं महसूस करता हूँ कि हमारे बच्चे कम से कम हमारे साथ तो है, कदम से कदम मिला के चल तो रहे हैं। ये डिएक्शन से सीखा है, अगर डिएक्शन नहीं होता, डिएक्शन में मैं नहीं होता, तो एकत्रित नहीं होता। बस एक ही चीज है, जहां से मुझे समस्या है उनसे हाथ जोड़ के दूरी बना लेना, भैया तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तुम अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जिंदगी जियेंगे, जियो जी भर के एकदम, लेकिन स्वास्थ्य वाली जिंदगी, स्वास्थ्य वाली जिंदगी जियो, जी भर के जियो, ऐसी जिंदगी जीना है जिसको। अब डिएक्शन देखिए, डिएक्शन का सबसे फंडा मैं आपको बता रहा हूं, जिसको अपने शरीर से प्यार होगा, जिसको अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से प्यार होगा, वो डिएक्शन का प्रोडक्ट खाएगा। जिसको अपने शरीर से प्यार होगा, अपने स्वास्थ्य से प्यार होगा, वो डिएक्शन का प्रोडक्ट खाएगा, मतलब खाएगा। और जिसको अपने परिवार से प्यार होगा, अपने बच्चों से प्यार होगा, बीवी से प्यार होगा, अपने परिवार से प्यार होगा, वो डिएक्शन का प्रोडक्ट जरूर खाएगा। एक बात फिर से सुन लीजिए, जिसको अपने शरीर से प्यार होगा, स्वास्थ्य से प्यार होगा, वो डिएक्शन का प्रोडक्ट, डिएक्शन का गैनोडर्मा अपने साथ समझने का कोशिश करेगा। जिसको अपने परिवार से प्यार होगा वो कोशिश करेगा, जिसको प्यार नहीं होगा, जिसको लगेगा चलो जो होगा देखा जाएगा, तो उसको डॉक्टर हॉस्पिटल बना हुआ है, वो डॉक्टर हॉस्पिटल का हवा खाएगा, चक्कर खाएगा, और वही चकरा कर रह जाएगा, सारा पैसा हॉस्पिटल में जाएगा, शरीर भी साथ नहीं देगा, परिवार भी साथ नहीं देगा, परिवार को गरीब बना के जाएगा, शरीर को भी छोड़ के जाएगा, परिवार वाले उसके जाने के बाद भी गाली देंगे।
पक्का गाड़ी देंगे। तो डी एक्शन का प्रोडक्ट मुझे खिलाना है, उसी को समझाना है जो समझना चाहता है, जो समझना नहीं चाहता है उसको बस बताते रहिए, लेकिन जो समझना चाहता है दोस्त भाई बहन उसको प्यार से समझाओ, बैठ जाओ उसके साथ 1 घंटा नहीं 3 घंटा, मीटिंग करने में 3 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, आपको लगता है 10 मिनट में हम मीटिंग करके निकल गए, नहीं 1 से 3 घंटा लगता है वहां समय देने में, तब हमारा प्रोडक्ट निकलता है। हम मीटिंग करके निकल गए, प्रोडक्ट नहीं निकलने वाला है। मीटिंग के बाद कोई एक महिला अगर एक मंजन ले ली तो दूसरा महिला तुरंत बोलेगी यार मैं भी ले लूं, तीसरा ले लेगी, चौथा ले लेगी, ऐसे प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाता है, हम मीटिंग करके तुरंत ना निकले। इस तरह हमें काम करना है, मैं बता दिया, जिसको प्यार होगा अपने परिवार से, जिसको प्यार होगा अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से, वो डी एक्शन का प्रोडक्ट खाएगा, मतलब खाएगा, नो डाउट, हमें डाउट नहीं है, इसलिए मैं कभी हताश निराश नहीं होने वाला है। ये मेरा सपना है, रिएक्शन में मेरा बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सपना है। रिएक्शन हर चीज देने के लिए तैयार है, आपको क्या चाहिए? एक अच्छा घर, पहले रिएक्शन आपको स्वास्थ्य देने के लिए तैयार है, हम हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, आप बताइए ना, इस समय जितने लोग जुड़े हैं, अगर हम हस्बैंड वाइफ किसी के परिवार में बैठ के रिएक्शन समझाना शुरू कर देंगे, स्वास्थ्य सेहत, तो हम दोनों का स्वास्थ्य सेहत कैसा है, कौन काट सकता है? जिस समय हम बताते हैं उम्र 46 साल है, बच्चे मेरे से बड़े बड़े हैं, इस ये पढ़ाई कर रहे हैं, वहां लोग चकराने लगते हैं, इस बात को समझिएगा, यही हमारा प्रूफ है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ जहां भी बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उसको मजबूर कर देते हैं रिएक्शन प्रोडक्ट खाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने तरीके से बात करता हूँ, ये अपने तरीके से बात करती हैं, समस्याएं दोनों का था जो गंभीर था, और उस समस्या का इलाज नहीं था, घर के डॉक्टर को होते हुए नहीं इलाज था, आज हम दोनों एक दवा नहीं खाते, डॉक्टर हॉस्पिटल का हवा नहीं खाते, हमें स्वस्थ जिंदगी मिला है डीएक्शन के प्रोडक्ट से, तो हमें मिला है तो आपको भी मिलेगा, ये बात समझाना हमारा काम है। तो हमें पहले स्वास्थ्य मिला, अब डीएक्शन से हमें घर चाहिए तो घर भी मिलेगा, लेकिन घर मिलने के लिए आपको क्या करना होगा? घर मिलने के लिए आपका स्वास्थ्य सही हुआ है, अब घर मिलने के लिए आपको बताना होगा, कहाँ, गांव में, घर घर जाकर बताना होगा, गांव गांव जाकर बताना होगा, आपका घर भी बनेगा, जैसे आपका सेहत बन गया वैसे आपका घर भी बनेगा, आपको विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरी दुनिया खाली पड़ी है, पूरी दुनिया परेशानी में फंसी जा रही है, फंसी जा रही है, हम उस दुनिया को परेशानी से निकालने के लिए तैयार हैं, तो घर भी बनेगा, बस कमेंट कर लिए तो जरूर बनेगा। देखिए लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे आपके घर से लेके बाहर तक, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो उड़ाने दो ना यार, उड़ाने दो ना, हम हस्बैंड वाइफ सही हैं, मेरे बच्चे सही हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा सही है ना, तो हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, गाली दे, उससे हमें क्या मतलब, क्या मतलब है? अरे यार मुझे डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना है, डिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है, वो गाली देता है तो उसका जुबान खराब होता है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उसकी बारी उसी को लगेगी, उसकी बारी उसी को लगेगी, मेरी बारी अगर अच्छी रहेगी तो हमारा बारी हमेशा अच्छा ही रहेगा, हमारा काम अच्छा रहेगा, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा गैनोडर्मा अच्छा है, हम अच्छे बन जाए, बाकी कौन क्या कहता है इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मजाक उड़ाएंगे उड़ाने दो, क्या फर्क पड़ता है? लोग गरीबी का भी मजाक उड़ाएंगे, जैसे मेरे गरीबी का भी बहुत मजाक उड़ा, तभी मुझे लोगों से दूरी बनाना पड़ा, गरीबी का मजाक उड़ाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको लाख 2 लाख 4 लाख रुपया महीना आ रहा है, मुझे 10-20 हजार आ रहा है, तो हमेशा अपने नीचे दबाने का काम करेंगे, अपने नीचे, अपने पैर के नीचे हमेशा दबाने का काम करेंगे कि वो मेरे नीचे ही रहे, लेकिन डी एक्शन आपको उठाने के लिए तैयार है, गैनोडर्मा आपको उठाने के लिए तैयार है, डॉक्टर लीम आपको उठाने के लिए तैयार है, हमारे प्रोफेसर सर रत्ना मैम आपको उठाने के लिए तैयार है, कोई गुरु अगर नहीं साथ देता है तो हमारे गुरु तो डॉक्टर लीम है, हमारे गुरु तो प्रोफेसर सर रत्ना मैम है, हम उन्हीं को गुरु मान ले, एक से एक गुरु बड़े हैं, तो हम किसी के नीचे दबने वाले नहीं हैं, बस हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहे।
अपने सपनों को बड़ा रखो, अपने सपनों को हमेशा बड़ा रखो, इतना बड़ा रखो अपने सपने को, इतना बड़ा रखो, इतना बड़ा मैं जो सपना देखा हूं आज, मैं इसलिए नहीं बच्चों के बारे में बताता हूं कि वो सपना जिस दिन बच्चे पूरा करेंगे मैं आपके सामने ऐसे हंसते हंसते बताऊंगा कि आज मेरे बच्चे सपना पूरा किए, अभी नहीं बताने मजा आता है। पर वो सपना, जब मैं सपना बड़ा देखा हूं तो मेरे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, तो उस सपने को भी पूरा जब मैं करूंगा तो बच्चे भी पूरा करेंगे। बच्चे अपने सिस्टम में लगे हैं, मैं अपने सिस्टम में लगा हूं, पर करना सबको डिएक्शन ही है, डिएक्शन खाना है, डिएक्शन बताना है, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए लेकिन उसको डिएक्शन खाना है, डिएक्शन बताना है। ये बात मैं बराबर अपने बच्चों को सिखाता हूँ और बच्चे बताते भी हैं, छोटा बच्चा है वो भी बता, सभी बच्चे बताते हैं, बस सेक्टर थोड़ा सा अलग है इस समय। हमारे सपनों का बड़ा रखे रहेंगे, गरीबी को डिएक्शन ही मिटा सकता है, और कोई तो नहीं मिटा सकता। हमारी गरीबी हमारे बगल वाला मिटाएगा, हमारी गरीबी हमारे बगल वाला कभी नहीं मिटाएगा, हमारी गरीबी हमें खुद मिटाना पड़ेगा। हमारी समस्या हमारे बगल वाला नहीं, हमारे बगल वाला हमें समस्या देगा, हमें समस्या को खुद मिटाना पड़ेगा। ये मेरा सपना है, इस सपने को सजा के मैं निकला हूँ, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, करो ना इतना मेहनत। बस एक ही चीज है, अगर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका कारण एक है कि फुल टाइमर मेरे टीम में नहीं है। फुल टाइमर वाली मैं 2 आदमी हूँ, मैं सुरेंद्र कुमार पटेल, मैं अनिल कुमार स्टार डायमंड, ये फुल टाइमर है। तीसरा फुल टाइमर अब हमारे अरविंद जी निकले हैं। ऐसे ही अगर जिस दिन 10 दिन 10 लड़के फुल टाइमर अगर मेरे अंदर निकल गए तो मैं दहाड़ूंगा उसी 10 को लेके, पागल बना दूंगा रिएक्शन करने के लिए। बस एक ही चीज है, फुल टाइमर नहीं। जैसे आनंद जी हैं 200 बीघा खेत है, प्रदीप जी हैं अभी नौकरी के पीछे एकदम लगे हुए हैं, ऐसे ही जितनी भी टीम है सब फुल टाइमर कोई नहीं है, मात्र 2 है तीसरा फुल टाइमर। हमें फुल टाइमर रिएक्शन में चाहिए, रिएक्शन में जब फुल टाइमर निकलेंगे तभी काम बढ़ेगा। आधा इधर आधा उधर, यहाँ दिमाग वहां दिमाग, कुछ नहीं कर पाएंगे, बस गरीबी और बीमारी में फंसे रह जाएंगे। बीमारी से बच सकते हैं, रिएक्शन का प्रोडक्ट खा के बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन गरीबी से नहीं बच पाएंगे। अगर फुल टाइमर अगर हो जाएंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक दूर, मैं गरीब थोड़ी हूँ, आप मुझे अगर गरीब समझते होंगे, आप लोग सोचते होंगे मैं गरीब, अरे मैं तो इतना धनी आदमी हूँ, इतना धनी आदमी हूँ कि आप लोगों के साथ, आज इतने लोगों के साथ मैं हंस हंस के बात कर रहा हूँ, मैं किसके पास हंसने का फुर्सत है। बस लोगों की बुराई, लोगों की समस्या, अपनी समस्या नहीं देखेंगे, दूसरी की समस्या, गरीबी बीमारी, अरे अपने बीमारी को गरीबी को दूर करोगे आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। विश्वास करो, चौथा विश्वास करो, बीमारी को मिटा देना है, विश्वास करो, आपको खुद विश्वास होना चाहिए कि हमें बीमारी को मिटा देना है। रिएक्शन तो गरीबी को भी मिटा, रिएक्शन से हमें गरीबी को भी मिटा देना है, सिर्फ एक ही चीज है विश्वास। आपको कितना विश्वास है, आपको अपने आप पे, अपने गैनोडर्मा पे, गैनोडर्मा से बना प्रोडक्ट पे कितना विश्वास है। अगर आपको 100% विश्वास है तो पूरी दुनिया में क्या है, पूरी दुनिया में सिर्फ बीमारी बीमारी समस्या बीमारी समस्या बीमारी समस्या यही तो है। भले ही पैसे हैं लेकिन बीमारी समस्या कम नहीं है। किसी का परिवार उठा के देख के बता दीजिए ना किसके घर में, हम तो यही सवाल करते हैं जिसके साथ बैठते हैं कि आपके अगल बगल या आपके परिवार में समस्या है कि नहीं। दांत का समस्या, पेट का समस्या, घुटने का समस्या, लीवर समस्या, किडनी समस्या, शुगर समस्या, बीपी समस्या है कि नहीं, ऑटोमेटिक बोलेंगे है। सारी समस्या का समाधान मेरे पास है, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा से बना प्रोडक्ट हमारा, चाय पकड़ लीजिए, पेस्ट पकड़ लीजिए, आपकी समस्या है कॉफी पकड़िए, मोरिंगा पकड़िए, स्पाइना पकड़िए, पकड़िए, नहीं पकड़ेंगे तो क्या होने वाला है, बस ये आईना दिखाते रहिए उसको आईना कि आपके साथ क्या होने वाला है, जो दुनिया के साथ हो रहा है, कब शुगर वाले निकल जा रहे हैं, कब हार्ट अटैक हो जा रहा है, किसको शुगर, किसको बीपी, किसको कैंसर कब हो जा रहा है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में गैनोडर्मा, जिसके साथ में ऋषि गैनोटी, ये पेस्ट रहेगा, आपको बीपी, शुगर, गठिया, थायराइड, माइग्रेन, कैंसर सबसे बचा के रखेगा। पकड़ना है, 5 रुपया खर्च है, एक दिन का खर्च 5 रुपया है, बस 2 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती अब डालिए, सभी लोग पानी भरते रहिए, पीते रहिए,
स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, मस्त रहेंगे, ये चीज उसको समझाना पड़ेगा। ऐसे ही समझाइए ना, ऐसे ही बताइए ना, मैं तो बता रहा हूँ। बस एक ही चीज है, फुल टाइमर वाले लोग मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूँ, ग्रोथ नहीं हो रहा है। होगा होगा, मुझे विश्वास है कि होगा। देखिए पांचवा, अमीर व्यक्ति को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं। अमीर व्यक्ति को अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक गरीब परिवार को, एक गरीब व्यक्ति को अगर हम उठा सकते हैं तो सिर्फ डिएक्शन से उठा सकते हैं, उसको अगर रास्ता दिखा सकते हैं तो सिर्फ डिएक्शन से दिखा सकते हैं, उसकी गरीबी भी दूर होगी, उसके घर से बीमारी भी दूर होगी, तो सिर्फ डिएक्शन से होगी। तो एक गरीब व्यक्ति को रास्ता दिखाने के लिए डॉक्टर लिम ने हम सबको एक लक्ष्य दिया है कि निकलो घर से, निकलो बताओ, घर से निकलो बताओ, डिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाओ, डिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, ये हमको डॉक्टर लिम के माध्यम से मिला है। हमें गर्व होना चाहिए, रिएक्शन से हमें गर्व होना चाहिए, रिएक्शन से हमें प्यार होना चाहिए, रिएक्शन से इतना प्यार कर लो, इतना प्यार कर लो, इतना प्यार कर लो कि आप एक बार अपने बीवी बच्चों को भी भूल जाओ, पर रिएक्शन को ना भूलो। सो कर उठो, रिएक्शन का पूजा करो, डॉक्टर लीम का पूजा करो, गैरोडामा का पूजा करो, करो, पूजा में भी मन लगाना चाहिए। जहां सभी फेल होते हैं वहां थोड़ा सा भक्ति और शक्ति पे भी ध्यान देना चाहिए। ये शक्ति की चीज है, ये आध्यात्मिक जड़ी है, इसमें दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति नहीं होता तो किडनी कैसे सही हो गया? इसमें दैवी शक्ति नहीं होता तो दोनों किडनी खराब था, कैसे किडनी सही हो गया? वाल खराब है, सिकुड़ गया है, ऑपरेशन बोल रहे, वाल खुल गया, कैसे खुल गया, कैसे खुल गया? इसमें दैवी शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग करो, अपने बल, अपने पावर में, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ, तभी हम सब बहुत बड़ा कर सकते हैं। रिएक्शन हमें खुशियां देगा, धन देगा, मान सम्मान देगा, इतना मान सम्मान देगा। एक अंगूठा टेक, इसमें बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं, अंगूठा टेक पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब फील्ड में निकलती होंगी ना, 10 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 6 महीना जब रिएक्शन का काम कर लेती होंगी, तो अंगूठा टेक बहनों को भी डॉक्टर बोलने लगेंगे, डॉक्टर दीदी बोलने लगेंगे। मैं हाई स्कूल पढ़ा हुआ डॉक्टर हूँ, लेकिन लोग मुझे डॉक्टर ही, मैं कहता भी हूँ बार बार कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बार बार मुझे डॉक्टर ही बोलते हैं, बार बार मुझे ही डॉक्टर बोलते हैं। क्यों? ये गैनोडर्मा का देन है, ये गैनोडर्मा ने दिया है, ये डॉक्टर लिन ने हमें वो उपाधि दिया है कि आप जियो शान से। आप पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन डिग्री डिएक्शन देता है गैनोडर्मा। आप जियो शान से, बताओ शान से, एक दिन आपको बड़ी उपाधि मिल जाएगा, जैसे हम सबको मिला है। इस तरह हमें सम्मान मिलता है डॉक्टर का। हमें डॉक्टर बनना भी नहीं है, लेकिन लोग सम्मान देने के लिए तैयार है, तो सम्मान किसी को खराब नहीं लगता। सम्मान के लिए लोग क्या से क्या कर जाते हैं, यहाँ तो हमें गैनोडर्मा सम्मान देने के लिए तैयार है। काफी समय हो चुका है, मैं बात करता रहूंगा तो काफी समय तक बात करता रह जाऊंगा। अभी काफी कई टॉपिक थे, लेकिन मैं फील्ड की ज्यादा बात किया तो समय काफी हो गया है। तो सभी को ओवर टू यू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ममता मैडम है हम लोगों के साथ में, चाहेंगे कुछ शब्द अपना ममता मैडम भी रखेंगी। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। टाइम तो खत्म हो गया है सर, लेकिन जितना बचा है मैं बोलूंगी। सबसे पहले मैं कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सिंह जी को नमन करती हूँ, और अपने बड़े भैया डॉक्टर एसी सर जी को नमन करती हूँ, अशोक सर जी को, संभा मैम को नमन करती हूँ, आर डी पटेल सर, आशा दीदी को नमन करती हूँ। क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाती है, मैं इसीलिए नहीं बैठती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं बैठ कर क्या करूंगी, लेकिन सुनती हूँ बात अच्छे से। लेकिन टाइम मुझे भी चाहिए ना बात करने के लिए, तो बहुत मजा आता है बात करने में। इस चैनल पे जितनी भी बहनें बैठती हैं उनको देख देख कर ऐसा लगता है कि इसमें कितनी महिला को हम सब लाए, जो महिला कुछ भी नहीं जानती है डिएक्शन के बारे में, वो महिला यदि एक एक करके इस चैनल पे आना शुरू कर देंगी तो वो महिला काफी मतलब आगे तक जा सकती है। जो महिला बोलना नहीं चाहती है वो बोलना सीख जाती है, क्योंकि आज से नहीं, मैं जब अशोक सर जी ये चैनल को चालू किए थे तब से मैं इसमें जुड़ रही हूँ और सीख रही हूँ, और लोगों को जाकर बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हो ही गई है प्रोडक्ट पे। क्योंकि हमें होम मीटिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं होम मीटिंग,
नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, क्योंकि जब हम मीटिंग में निकलते हैं तो बहुत सारी बहनों का एक ही शिकायत रहती है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये ऋषि रेनोटी बहुत महंगा है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि लोग महंगा बोलते हैं, इसमें स्वास्थ्य छिपी हुई है, हमारी खुशियां इसी में छुपी हुई, तो लोगों को महंगा है तो सस्ता कैसे करके बताया जा सकता है? अच्छे से बताइए फील्ड में। हम सब जाते हैं, एक ही जगह जाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, पारी पारा, इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती है कि कौन बैठे हैं, किसी के घर में आके कोई बैठे हैं तो कुछ बता रहे हैं, ऐसे करके बारी बारी सारी महिलाएं आती है और हम सब उसको इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं। जब से हम उनको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि डिएक्शन इदगम नया है लोगों के लिए, इदगम नया है, हम सबको लिए, हम सब जानते हैं डिएक्शन के बारे में, तो हम सबके लगता है कि ये बहुत पुराना है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यही ऋषि गहनोटी है जो मेरे घर में पहली बार आई थी, मैं इसको पी, जितनी भी बीमारी थी चली गई। क्या ये आगे बीमारी होने देगी? जब हम इसको थामे रहेंगे, पीते रहेंगे, इसको जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं, कभी बीमारी लौट के, जो बीमारी से मैं गुजर चुकी हूँ, वो बीमारी कभी मेरे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो जड़ी है, ये जड़ी टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करती है, विषैले तत्व को बाहर निकालने का काम करती है। कि जो हम खा रहे हैं यूरिया डाई पोटास, जो हम यूरिया डाई पोटास खा रहे हैं, हम इसी को पकड़े रहे, इसको पीते रहेंगे तो हमारे अंदर सफाई करने का काम करती है। इतना अच्छा सा लोगों को बताइए, इतना अच्छा सा लोगों को बताइए। कल मैं आरबीसी देख रहे हैं, मैडम बोल रही थी आरबीसी में, उनको डिएक्शन नहीं मिला होता तो क्या वो अपनी गरीबी से निकल, अपने गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकती थी? नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक गरीब महिला को कोई देखता नहीं है, कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो डिएक्शन में लग गई है, उनकी आईडी लग गई है, तो उनको ऐसे ऐसे लीडर है, ऐसे ऐसे गुरु है, तो उनका हाथ पकड़ के उनको सक्सेस कर देंगे। मैं इतना इनको इतना मैं सोचती हूँ कि ये डिएक्शन मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो क्या हम सब सेफ रहते? जो बीमारी थी वो बीमारी ठीक नहीं होने वाली थी, लेकिन इन्हीं का देन है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। आज हम जहाँ भी बैठते हैं उनको तो हम, हर घर में समस्या है, समस्या हर घर में है, कोई स्वस्थ नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है, सभी का खान पान एक ही है, सभी का हवा पानी एक ही है, सभी का सब कुछ एक ही है, लेकिन वो स्वस्थ कैसे रहेगा? जो वातावरण खराब हो चुका है उससे हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें घर घर जाके बताना पड़ेगा। वो बहन इतनी अच्छी सी लोगों को बता रही है, आज उनकी गरीबी दूर होगी, आज वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती है, क्या उनको डिएक्शन नहीं मिला होता तो उनकी गरीबी कटती नहीं? कटती, जैसे वो जी रही थी, उनके हस्बैंड भी नहीं है, जैसे वो जी रही थी उससे खराब स्थिति में चली जाती। आज थैंक्स मैं करती हूँ डिएक्शन को, जो मुझे डिएक्शन मिला, आज मैं लोगों की जिंदगी बदलने का काम करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी बदली, अपने परिवार की जिंदगी बदली, आज मैं लोगों की जिंदगी बदलने का काम करती हूँ। ऐसे ही जब तक ये शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं लोगों की जिंदगी बदलने का काम करूंगी। ऐसे ही जितनी भी ये बहनें जुड़ी हुई है चैनल पे, वो सब एकदम लाज शर्म हटा दीजिए, लाज शर्म नहीं करना है हमको, नहीं हम लाज शर्म करेंगे शाम, बुराइयां तो बहुत होती है, मैं भी वो ठोकर से गुजर चुकी हूँ, मुझे भी बुराइयां बहुत सारी मिली, लेकिन एक महिला जब ठोकर खाकर उठती है तो शेरनी की तरह घायल हो जाती है, उस तरह का हमें महिला लोग को शेरनी बनना है, और उन लोग अगल बगल जितने भी हमको ताना देते थे उनको दिखा देना है कि ये महिला जबरदस्त तरीके से काम करके आज आगे निकल गई। वो भी सोचेंगे कि आज इसके साथ मैं भी होता तो मैं भी कितना आगे गया होता। इस तरह से शेरनी बनना है हम सबको, और महिला से बेटर कोई काम नहीं कर सकता है डिएक्शन में। मैं सोचती महिला तो हर जगह बैठ के, हर गली चौराहे में बैठ के इतनी अच्छी सी बातें कर सकती है। मैं नहीं बोलती थी, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो लोग मजबूर हो जाते हैं ऋषि गहनोटी को इस्तेमाल करने के लिए। सवाल यही होता है कि बहुत महंगा है, लेकिन महंगा कहाँ है? अरे भाई, आप लोग गुटखा खाते हो, दारू शराब का इस्तेमाल करते हैं, 1-6 रुपया का चाय आपका सेहत बदलने का काम करती है, महंगा लगता है? ऐसे समझाइए लोगों को,
इतना अच्छा रिसीजन होती है, नहीं पैसा है, मेरा तो बिजनेस इसी मंजन से उठता है, मैं कहीं भी जाती हूँ। डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया है कि छोटा वाला मंजन को हम सबके बीच में भेज दिए है, बड़ा वाला एक गरीब व्यक्ति बड़ा वाला मंजन नहीं इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन छोटा मंजन जरूर इस्तेमाल कर सकता है। मैं छोटे वाले मंजन को ज्यादा रखती हूँ, और ज्यादा ज्यादा गरीबों महिला में मैं अभी हरजन बस्ती में काम करना शुरू की, बहुत अच्छे से लोग सुनते हैं, और एक हरजन बस्ती में छोटे बिरादरी में हमको लगता है कि बहुत अच्छा काम भी हो सकता है। मैं तो छोटे छोटे बिरादरी में जाती हूँ, घर घर जाती हूँ, ऐसे ही बताती हूँ, नहीं कुछ तो मेरा मंजन निकल जाएगा। जब मंजन निकलता है तो वहां से हमारा सारा चीज निकलना शुरू हो जाता है। किस तरह का है जादू, जादू मंजन है समझ लीजिए। किसी का घाव जो साल 100 रुपया का, मतलब 100 रुपया का 150 का रोज दवा करते थे, उनका घाव ये ठीक कर दे रहा है, तो ये जादू ही है ना, मेरे लिए तो ये जादू है। अभी देखिए, अभी मोरिंगा पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो आयुर्वेदा में निकला है मोरिंगा। अभी मुझे कोई जर बुखार नहीं आया था, जो सीजन चल रही थी उसमें सारे लोग बीमार थे, लेकिन मैं एकदम स्वस्थ थी, लेकिन मेरे घुटने में दर्द बहुत ज्यादा होने लगा, मेरे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, लेकिन मैं मोरिंगा का इस्तेमाल की, ये सारे प्रोडक्ट के साथ मैं मोरिंगा को इस्तेमाल की, 3 फाइल खाते खाते नहीं मेरे जोड़ों में दर्द रह गया, कहाँ चला गया। और जो चर्बी, चर्बी जो शरीर के अंदर होती है ना, चर्बी गलाने में बहुत ज्यादा मदद करती है, जो आपका मतलब भारी शरीर है, वेट भारी है, उसको मतलब हल्का करने में बहुत मदद करती है मोरिंगा। आप सब मोरिंगा का इस्तेमाल करिए, मोरिंगा बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। क्योंकि टाइम नहीं है सर, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपनी बारी को विराम देती हूँ। सारी बहनें मन से काम करिए, मन से काम करिए, डीएक्शन जैसा कहीं प्लेटफॉर्म नहीं है, आप पकड़ ले रही है सभी के लिए चाय मंजन, सभी जो क्राउड एम्बेसडर बने हैं उनके लिए भी यही प्रोडक्ट था, हम सबके लिए यही है, हमें करने की जरूरत है, हमें फील्ड में कूद जाने की जरूरत है, लाज शर्म को किनारे करिए। मैं यही करते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ, क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा हो। गुड मॉर्निंग सर, गुड थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों हमारे सुरेंद्र ममता पटेल सर और मैडम के लिए। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा सर। और थोड़ा सा जान देना है, अगले महीने जब प्रोग्राम होगा तो फर्स्ट सेशन आप लीजिएगा, सेकंड सेशन मैडम को बोलने के लिए दे दीजिएगा, क्योंकि सब लोग ममता मैडम को सुनना भी चाहते हैं और कमेंट में भी आ रहा है कि मैम को बोलने को मौका दीजिए बोल के। तो सही बात है, एकदम बहुत बढ़िया बोलती है मैडम, क्योंकि फील्ड में जाती हैं तो गाती हैं भी। जो जाएगा फील्ड में, जो डिएक्शन दिल से लगा के काम करेगा, वो तो बोलेगा मेरे दोस्त, बाकी लोगों की तरह अनबोलता नहीं रहेगा। कुछ लोगों के हस्बैंड बोलते हैं और मैडम की बोलती बंद रहती है, कुछ लोगों की मैडम बोलती हैं और हस्बैंड का बोलती बंद हो जाता है, मगर ये बिजनेस तो फैमिली बिजनेस है ना मेरे दोस्त। तो जब पूरा परिवार मिलकर काम करेगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। तो दोनों लोग बोलें, काम को आगे बढ़ाएं और आग लगा लें सीने में, और 5,000 PV करें हर महीने में, और 5,000 PV करें एक ही तारीख में, एक तारीख में, एक हफ्ते के अंदर 5,000 PV करें, तब तो बहुत बड़का लीडर। नहीं तो महीने के अंतिम अंतिम में 5,000 PV करते हो तो मेरे दोस्त बिहार से कईयों गुना पीछे हैं और रह जाएंगे। बिहार को पीछे छोड़ना है तो उससे पहले ही पीवी करके एडवांस में रखने की आदत डालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, को क्राउन एम्बेसडर, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग माता जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया मीटिंग, बहुत बढ़िया।